गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शुभांगी दिस क्रेज। सो बहुतों को पता है कि मेरा वो जो 75 डेज का चैलेंज है क्यों नहीं आ रहा है, और बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि क्यों नहीं आ रहा है एक्चुअली में। तो आप लोग तो देखते ही आ रहे होंगे, रिकॉर्ड है मेरा। कभी भी मैं कुछ स्टार्ट करने वाली होती ना, तभी कुछ ना कुछ होके मैं अटक जाती। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ। तो मैं फिलहाल तो बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मैं तो बस खा पी के यही बेड पे उठती हूँ सोती हूँ। तो फिलहाल एक दो दिन से मैं चल भी रही हूँ। मेरा हो गया था एक छोटू सा एक्सीडेंट, क्योंकि वो तो मेरा नसीब में था इसलिए शायद से क्या बताएं। मतलब जिस दिन मैं ये स्टार्ट किया उसका अगले दिन जब मेरा वीडियो आने वाला था बट नहीं आया था, क्योंकि मेरा थोड़ा टेक्निकल इशू है। मेरा वीडियो रेडी है बट मैं नहीं डाला, एक ही रीज़न से, क्योंकि मेरा जो थर्ड डे था वो नहीं हो पाया। क्यों, उसको रीज़न मैं बता रही हूँ कि सेकेंड डे का जो शाम को मेरा हो गया था एक्सीडेंट हो रहा छोटा सा। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो बाइक्स रेंट पे जो आते हैं ना उस पे ही ट्रैवल करती हूँ, तो जल्दी जल्दी पहुँच जाती हूँ जगह पे। तो इसी वजह से तो मेरा वो बाइक के साथ कार का छोटू सा एक्सीडेंट हो गया है। तो उस वजह से मेरा पैर में क्रैक आ गया है। तो फिलहाल तो आज शायद से 24 या शायद बहुत दिन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं की टूट गया है बट क्रैक आया है छोटू सा। इस वजह से तो मेरा पैर पूरा वो क्या कहते हैं क्रेप करके रखा था, बिल्कुल नहीं खोल रहा था। वॉक भी करने में बहुत दिक्कत आ रहा था, एक पैर उछल उछल के मैं चल रहा था बंदर की तरह। बट अब फिलहाल ठीक है, मैं थोड़ा भी चल भी सकती हूँ क्रेप के बगैर, तो बहुत खुशी लग रहा है। क्योंकि मेरा वो जो चैलेंज है वो टूट भी गया है, मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मैं कुछ स्टार्ट किया था सेकेंड दिन तक मैं कंटिन्यू किया बट नहीं हो पाया। बट मेरा मूड बहुत ऑफ है उसका रीज़न से। बट हाँ, जो भी हुआ होने दो, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर अगर रुक जाए फिर रुकने दो, बट मैं कोशिश तो फिर से करूँगा। जो मेरा मुझे बहुत खराब, मैं बाहर का कुछ खाया नहीं वैसे तो, घर पे ही जो हो रहा था मैं बैठ बैठ के खा रही थी। तो खाने के लिए का कोई दिक्कत नहीं था, बट जो वर्कआउट करना था नेसेसरी था 45 मिनट्स का वर्कआउट डेली, वो तो नहीं हो पाया। मैं खाती थी और सोती थी इधर, क्योंकि मैं चल तो नहीं पाते थे ना, इसलिए वेट लूज की जगह पुट ऑन हो रहा था, शायद से हो गया है अभी, मैं तो चेक भी नहीं किया। तो इस वजह से तो मैं फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ घर के अंदर ही, बाहर नहीं निकल रही हूँ। मैं बाहर निकलने का कोशिश किया था एक दिन, इतना पैर में दर्द हुआ, लिटरली इतना पैर में दर्द हुआ, तो मैं छोड़ दिया। आई वाज लाइक नो, छोड़ते हैं, ज़्यादा कुछ करेंगे तो आई मीन कुछ उल्टा ही हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, कुछ दिन जाते हैं फिर मैं चलना शुरू करूँगा बाहर। मैं घर पे अभी क्रेप को छोड़ के थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ, तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। मैं अभी क्रेप छोड़ के मतलब चल सकती हूँ, और मेरा घर में पूरा काम चल रहा है, पूरा ऊपर का फ्लोर नीचे का फ्लोर में पूरा मतलब वुड का काम चल रहा है। मेरा दरवाज़ा के काम मैं दिखाती हूँ आपको, ज़रा थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाऊँगी मैं आपको कि बिफोर आफ्टर अगर दिखा देती हूँ। हाँ, बहुत चेंज आया अभी तक। लाइक इधर घर में मेरा 2 वीक से काम चल रहा है, अभी भी लगता है शायद से 1-2 वीक तो और लगेगा। तो इसमें है पूजा, हमारे घर में एक पूजा होता है लोकनाथ पूजा, तो बंगाली लोग को समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए तो हम लोग तैयारी करने वाले हैं, तो हम लोग उन लोगों को कहा कि थोड़े दिन काम बंद रखिए अब 2-3 दिन, क्योंकि सफाई भी करना होता है, वो वुड कट रहा है, पूरा धूल महल सारे घर में हो रहा है। तो आज उन ऊपर के घर में लास्ट काम हो रहा है, क्योंकि ऊपर ही पूजा होने वाला है मम्मी के घर में। तो कल लास्ट काम होगा हमारे घर पे, फिर सैटरडे को पूजा है, तो फिर
पूजा है, पूजा होने के बाद से फिर से स्टार्ट करेंगे जैसा काम चल रहा था वैसा। और मैं तो कॉलेज भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि अब ये जो है वो है बिना क्रेप के, मैं दिखा दे। तो ये रहा मेरा पैर, इधर से फुला हुआ है, आप देख सकते हो इधर से पूरा ये पूरा फुला हुआ है, ठीक है। मेरा क्रैक जो था इधर क्रैक हुआ था, तो इधर से पूरा ये फुला हुआ है। मेरा पैर की कंडीशन बहुत ही खराब, पूरा बाल 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 हो रहा है क्योंकि मैं वैक्स तो नहीं किया, कुछ नहीं कर पाया कुछ नहीं, तो पूरा बाल 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 होके बहुत ही खराब घटिया होके रहा है कंडीशन। इसको भी सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो हाँ, आपको मैं काम दिखाती हूँ, बहुत सारे काम होना बाकी है। मैं काम हो जाने के बाद पूरा घर का टूर देने वाली हूँ। और जो मेरा मैंने प्रण लिया था कि मैं वेट लॉस करूँगा, हाँ मैं करूँगा, दो तीन और कुछ एक वीक तक रुक जाते हैं, मेरा पैर नॉर्मल हो जाते हैं, मैं प्रॉपरली नॉर्मली वॉक करना चालू कर दूँगा तो फिर ठीक है, क्योंकि मैं वॉकआउट करने में भी दिक्कत आएगा ना इसलिए। तो मैं शायद से क्रीप पर की कर सकती हूँ थोड़ा बहुत वर्कआउट, बट मैं नहीं करना चाहती एक्चुअली, क्योंकि अगर कुछ हो गया ना इस वजह से मैं रिक्स नहीं लेना चाहती। और घर में सभी लोग कह रहे थे मत करो मत करो, तो ठीक है। तो मेरा घर का कंडीशन देख के समझ ही रहे होंगे कितना खराब है, पूरा कचरा कचरा होके पड़ा है। तो फिलहाल तो दरवाजे का काम चल रहा है, दरवाजा को नया दरवाजा लाया है, उसके ऊपर वो शीटिंग विटिंग लगाया, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो वो सब लगाएगा अभी। तो ये रहे दरवाजे का काम चल रहा है, तो होने के बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा दरवाजा। मैं ऊपर वाला दरवाज़ा भी दिखाऊंगी, दोनों ही बहुत क्यूट सा है। तो ये तो हो गया है, और ये बचे हुए कि और भी दरवाज़ा है ना मेरा घर के, मेरा घर का बालकनी का, वो भी लगने वाला है। ये फ्रंट डोर का है, तो हाँ ये वाला जो दरवाज़ा, इसका कंडीशन देखो, तो इसको भी लगाना है। ये देखो जरा, फिलहाल अभी भी काम चल रहा है कुछ, मेन डोर तो खोल ही दिया शायद से। और इधर मेरे को भैया दिखा रहे हैं ये सब लाइट लगने वाला है, देख देख कितना प्यारा लाइट है, ये सब लगाएंगे। और मैं भी बहुत मन से देख रही हूँ, वाह वाह। मेरा भैया बहुत काम कर रहा है बाय द वे, बहुत ही काम करते। ये देखो जो भी कर रहा है पूरा बेकार काम कर रहा है। तो ये रहा है फ्रंट डोर, ये ऊपर वाला फ्लैट का है, उसका भी सामने का कंडीशन कुछ ऐसा ही है क्योंकि उसका अंदर भी ये ही सब काम चल रहा है। तो हाँ, तो उधर का अंकल मेरे को कह रहा है कि अभी मत दिखाओ, कंप्लीट होने दो फिर दिखाओ ना। तो ये तो पूरा लग गया है अब, इसके ऊपर वो क्या कहते हैं मुझे पता भी नहीं है क्या, सन वाइकर टाइप का कुछ लगने वाला है, दोनों क्या लगने वाला है। तो ये वाला ऊपर का दरवाजा है, कितना प्यारा लग रहा है, फिर देखो अब बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। और ये मेरा घर का कुछ कंडीशन ऐसे है, हाफ होके परे हुए है अभी, सब फिलहाल ऊपर है, सब लोग ऊपर काम कर रहा है। तो हाँ, और ये तो चलने का जगह नहीं है, मेरा बॉक्स को पूरा ढक दिया गया है। बाइकर कच्चा है, अभी भी मैं थोड़ा 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 दिक्कत हो रहा है चलने में। मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज, मैं नहीं दिखा पाई, मैं बाहर निकल रही हूँ तो यू भी निकल रहा है इसलिए, तो कोई बात नहीं बाद में दिखा दूंगी। मैं इतना सारा क्यूट क्यूट इंडोर प्लांट्स लाई हूँ ना, मैं नहीं पापा लाए, मैं दिखा दिखा के उसको कही ये लाना वो लाना ये लाना, तो वो सच में लाया, बहुत ही क्यूट है इंडोर प्लांट, छोटा छोटा है बट क्यूट है, तो मैं कोई और दिन दिखाऊंगी। बट मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ, मैं ये वीडियो करने का एक ही मोटिव है कि बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट टेक्स्ट किया, क्या भाई तेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं कहा कि
75 डेज करेगा, फिर नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, छोड़ दिया, हाल छोड़ दिया। अरे नहीं भाई, मैंने हाल नहीं छोड़ा है, मेरा पैर में बहुत ज़्यादा ही दर्द है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं फिर भी एक दो दिन से चल रही हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं चल रही, एक दो दिन से मैं चलना स्टार्ट किया है। आई होप और दो तीन दिन, मैं 5 दिन ही दौड़ पकड़ती हूँ, 5 दिन के बाद से मैं नॉर्मली वॉक करना स्टार्ट कर दूँगी। और मैं एक बार डॉक्टर दिखाऊँगी, फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, और जो जो भी था वो सब कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ मैं बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। मेरा लियो आके सब कुछ मेरा ख़राब कर दिया, तो कोई नहीं। तो आज मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने वाली हूँ, तो ना। तो ये कुछ हुआ है लियो का स्किन में, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट बहुत ही अजीब सा हो रहा है। मेडिसिन तो चल रहा है, बट जब भी ये सूख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सूख रहा है, तभी लियो उसको काट के ना ब्लीडिंग कर रहा है, मतलब करके काट दे रहा है, उसको काट के ना इन्फेक्शन कर रहा है ना। और परेशान हो चुकी हूँ डॉक्टर दिखा दिखा के, उसको प्लास्टर भी कर देती हूँ ना, कभी ये सेम चीज करता है। ये कितना मासूम है, मेरे बालों के अंदर छुप गया रे। तो कोई नहीं, बहुत घटिया है भाई मुझे, बट अगर कमेंट करके बताना कोई और होम रेमेडी है तो इसके लिए, मुझे बहुत तो टेंशन होता है इसको, कुछ भी करता रहता है, कुछ भी करता रहता है, मैं इसको बाहर नहीं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।